हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आज जिसमें लेटेस्ट जॉब अपडेट आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ, ये काफी जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि ये डाटा निकल के आई है अमेजोन के रिगार्डिंग। गाइस, अमेजोन की बात करें तो इसमें मल्टीपल आपको ब्लेंडेड प्रोसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे चैट हो गया, वॉइस हो गया और ईमेल हो गया। गाइस, करेंटली इसमें जो है एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के रिगार्डिंग इसमें हायरिंग ऑन है। और गाइस, इसका जो ऑफिस रहने वाला है वो न्यू दिल्ली रहने वाला है, लेकिन जो आपका प्रोफाइल रहने वाला है टोटली आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी करंटली निकल के आई है। गाइस, तो गाइस पैन इंडिया से कहीं से भी हैं तो डेफिनेटली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पर आपकी 12th पास है या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, फ्रेशर है, तो डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और गाइस, अगर आपको एक जॉब की नीड है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कीजिए। डेफिनेटली एचआर सारे राउंड्स आपके जो है वर्चुअली होने वाले हैं, कहीं भी आपको रिलोकेट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है प्रोफाइल तो वर्क फ्रॉम होम रहता है, इनकेस आपको जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस अगर ये बुलाते हैं तो आपको न्यू दिल्ली यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा या इनके ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, ये एक जो है माइनर पॉइंट है, लेकिन मोस्टली इसके जो प्रोफाइल होते हैं वर्क फ्रॉम होम ही रहते हैं गाइस। और गाइस, करंटली अमेजोन जिस प्रोसेस की हायरिंग कर रहे हैं, मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ गाइस। सो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे, आपको एक्सेस होने वाला कि वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट दिल्ली, तो बेसिकली ये प्रोफाइल लेने वाला है। और गाइस, वर्क फ्रॉम होम विद अमेजोन कस्टमर सर्विस, बेसिकली ये आपको प्रोफाइल लेने वाला है। गाइस, रोल की बात करें, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि VCS एसोसिएट्स वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटी निकल गई है। जॉब टाइप की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक्स पे ये बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, 6 महीने 1 साल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहता है, आपको सेटिस्फेक्शन अच्छा देते हैं कस्टमर को, तो आपको जो है ये प्रोसेस भी स्विच कर सकते हैं या आपको जो कॉन्ट्रैक्ट जो बेस होता है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं गाइस। और गाइस, बात करें इसमें वर्क फ्रॉम होम इन दिल्ली NCR इंडिया, बेसिकली जॉब लोकेशन जो है दिल्ली लोकेशन के लिए आई है, लेकिन वो पैन इंडिया से कहीं से भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑफिस जो है दिल्ली रहने वाला है गाइस। और गाइस, बात करें यहाँ पे स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन की, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि व्हाट क्वालिफिकेशन डू यू नीड फ्रॉम यू, मिनिमम आपकी एज जो है 18+ होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए, हैव टू राइट टू वर्क इन इंडिया, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश बोथ रिटन एंड वर्बली दोनों ही आपको लिखना आना चाहिए। और गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि शिफ्ट आपकी रोटेशनल रहने वाली है। और गाइस, मंडे टू संडे विद इन ऑपरेटर हॉर्स 12 AM to 12 PM ये आपकी जो बेसिकली जॉब प्रोफाइल जॉब टाइमिंग्स रहने वाली है गाइस। सो गाइस, बेसिकली आपको यहाँ पर रोटेशनल शिफ्ट में कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन अगर आपका वॉइस का प्रोसेस है तो ये लॉग इन हॉर्स आपके 9 hours तो होते हैं, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चलाते हैं। जैसे कि आपको 2 घंटे का लॉग इन हॉर्स पहले करा देंगे, उसके बाद आपसे बोलेंगे कि आपका जो 6 घंटे का लॉग इन हॉर्स है वो आप इवनिंग में आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको रोटेशनल शिफ्ट में यहाँ पर कंफर्टेबल होना चाहिए। कोई तो नहीं गए, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद आप प्रोफाइल को चेक कीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं या अपना कैरियर अमेजोन के साथ यहाँ पर बना सकते हैं गाइस। और गाइस, अगर यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाता है तो बेसिकली जो आपको बेनिफिट है, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, पेंशन प्लान हो गया, इंटरनेट अलाउंस बेसिकली आपको मिलने वाला है गाइस। तो गाइस, उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करना है गाइस। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो स्क्रॉल करते हुए आना है आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके, फिर आपको जो है कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है गाइस। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो है ये आपकी अपडेटेड मेल आईडी यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोलेगा, तो जो भी आपकी अपडेटेड यहाँ पे मेल आईडी हो वही आपको मेंशन करना है गाइस। तो गाइस, जो भी मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी वर्किंग मेल आईडी है तो वही डालिए, क्योंकि गाइस मोस्टली जो इनका रिवर्ड आने वाला है वो आपकी मेल आईडी के ही थ्रू आने वाले हैं गाइस। और गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे अपडेटेड मेल आईडी डालते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो अपनी बेसिक हमें प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी, जैसे आपका अपडेटेड फोन नंबर हो गया, क्रिएट पर्सनल पिन 6 digit का, अगर यहाँ पे आप जो है एंट्री करना चाहते हैं, प्रॉपर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको एक पिन जनरेट करना पड़ेगा अपना ही गाइस। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है गाइस। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो है बेसिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है, बेसिकली क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपका नेम है, कौन से सिटी पे रहते हैं, कौन से एरिया पिन कोड है, और क्या आपके पास यहाँ पे सिटी से सैलरी, आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी क्या रहने वाली है, और क्या आपकी लास्ट सैलरी थी, और आपको जो है बेसिकली यहाँ पे अपडेटेड CV
पे मेंशन करना है गाइस। गाइस कोई इशू नहीं है, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी रिवर्ट नहीं आने वाला चार का गाइस। सो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटली अप्लाई करने का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आप सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा ऑब्जर्व कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को ओपन कीजिए, सारे क्राइटेरिया को आप पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करिए, सो डेफिनेटली एचआर विल बी कॉन्टेक्टेड यू एज सून एज पॉसिबल गाइस। सो गाइस जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो आप जल्द से अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई इशू है, कोई डाउट है, तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में डेफिनेटली अपना सजेशन देने की कोशिश करें, मैं आपकी जब पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा गाइस। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो क्वेश्चन नहीं होगी, अमेज़न की तरफ से जो फाउंडर प्रोसेस आया है इसकी मैंने पूरी डिटेल आपको शेयर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई इशू है, कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी जब पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा गाइस। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड हम अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी न्यू अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ गाइस। थैंक यू।